कहानी गांव की है जहां एक पुरानी हवेली में एक अजीब चीज की खबरें फैल गई थी। हवेली में कहीं एक गुप्त रहस्य है जो कि बच्चों की कहानियों से भी भयानक है। हर रात वहां कुछ अजीब गर्जने की आवाज सुनाई देती है। उस हवेली में घर का रास्ता ही नहीं मिलता है। एक दिन गांव का एक युवक वहां जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक अजीब सी महसूस होती है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे पर लिखा होता है, जो यहाँ आया वह कभी वापस नहीं जा सकता। यह सुनकर उसका दिल डर से धड़कता है, लेकिन उसकी कुर्सी तक की आवाज को सुनकर वह वापस नहीं जा सकता। धीरे धीरे हवेली में उसे गुमनाम चीखें सुनाई देने लगती हैं। वह दरवाजे की ओर देखता है तो वहाँ कुछ अजीब दिखाई देता है। एक बड़ा और भूतिया कमरा जिसमें विचित्र चीजें हैं। उसने उस कमरे में जाकर एक पुरानी पुस्तक खोजी। वह पुस्तक पढ़ता है और पता चलता है कि वे हवेली में एक भूतिया कहानी का हिस्सा है। पुस्तक में लिखा होता है कि कोई भी इसे पढ़े बिना नहीं जा सकता। अचानक हवेली में उसकी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। वह चौंक कर देखता है कि उसका हाथ पुस्तक से जुड़ा हुआ है और वह पुस्तक को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं हो पाता। वह पागल होने लगता है क्योंकि वह पुस्तक से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और वह पागल हो जाता है। वहाँ के भूतिया वातावरण में उसका दिमाग फंस जाता है। आखिरकार उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है और हवेली में सब कुछ शांत हो जाता है। उसकी मौत के बाद भी हवेली में बदनामी का बाजार होता है। उसकी आत्मा अब भी उसी कमरे में बंद है और किसी और को वही जाल में फंसाने की कोशिश करती है। और इसी तरह हवेली के भूतिया रहस्य का चक्कर चलता रहता है। हर कोई जो हवेली में आता है उसी कमरे में जाता है और उसी भूतिया पुस्तक से जुड़ जाता है और फिर उसकी मौत होती है। ये कहानी हवेली के भूतिया रहस्य का हिस्सा है जो हर बार किसी नए शिकार को अपने जाल में फंसाता है और वही बदनामी का चक्कर चलता रहता है हर रात हर दिन। कहानी का अंत असली भूतिया रहस्य जो अब तक बरकरार है वह ये है कि क्या इस रहस्य को कोई हल कर पाएगा या नहीं। इस बदनामी की जिंदगी का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। क्या आप होंगे वो बहादुर जो इस रहस्य को सुलझा सकेंगे, या ये रहस्य अब भी हमें अपने जाल में फंसा कर रहेगा? सच्चाई का पता करने के लिए आपको वहाँ जाना होगा, लेकिन क्या आप तैयार हैं इस भूतिया रहस्य का सामना करने के लिए? जानिए और समझिए, ये कहानी रोमांचक अंत के इंतजार में है। क्या आप तैयार हैं? आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।